आपके साथ जो मामला है वो क्या है? हम प्रखंड टीचर सहदेव बुजुर्ग के हैं, उत्कर्मित मध्य विद्यालय सराधर कार्यरत है, बीओ साहब एरियर बनाते हैं और हम लोग से 2,000 रुपया की डिमांड करते हैं। जब हम लोग इनको देने के लिए 1,000 रुपया तैयार हुए तो नहीं, जिला में 2,000 रुपया लगता है, 2,000 रुपया दीजिएगा तब हम आप लोग के एरियर बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। और जब फर्स्ट एरियर जब 67 गो के गया तो हम लोग बीओ साहब से मिले तो कहे कि नहीं, जब तक पैसा आप नहीं दीजिएगा जब तक नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पैसा सभी को देना पड़ता है। फिर हम लोग बी डी ओ साहब से मिले तो बी डी ओ साहब कहे कि हम 201 पर साइन कर दिए हैं और चला गया है आप लोग का एरियर। जब 16 गो के चढ़ गया, 201 में से 16 गो के चढ़ गया एरियर, तो हम बी ओ साहब को फ़ोन किए तो उन्होंने कहे कि से जिला में पैसा लगता है, अभी फ़ोन रखिए, आपसे हम बात नहीं करेंगे, आपको जहाँ फ़ोन करना है वहाँ कीजिए, हमको अभी से मतलब पैसा दीजिएगा तो आपका एरियर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जब हम बी डी ओ साहब से मिले तो बी डी ओ साहब कहे कि हमने यही बात कहे कि हमने 201 पर साइन किए और चला गया है, आप लोग का एरियर मिल जाएगा। लेकिन हमारा बी ओ साहब बार बार एक ही बात बोलते हैं कि पैसा आप लोग दीजिएगा तभी मिलेगा हमको। किसी तो इससे पहले भी पैसा का मांग किया गया था? हाँ, जो पैसा दिया है आदमी उन लोग के एरियर चला गया, जो नहीं दिया है उसको अभी तक एरियर नहीं गया है और वेतन भी बाधित रहता है। और इससे जब वेतन के भी बारे में पूछे तो एक ही बात बोले कि तुम लोग इस बात के नहीं पूछ सकते हैं। बीआरपी में बीआरसी से पूछे, बीआरपी लोग से, तो बीआरपी कहा कि हमको किसी प्रकार के जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं से आप बीओ साहब से मिलिए। बीओ साहब हम लोग हम जब भी भेंट किए हैं तो हमको गलत व्यवहार से बात करते हैं और धमकी देते हैं कि पैसा नहीं देगा ना तुमको वेतन काट देंगे, ऐसे कर देंगे, उसे कर देंगे। और तब हमको किसी प्रकार का दिक्कत होता है घर में चलाने में, घर को एक ही आदमी हमने काम करने वाले हैं और घर में काफ़ी कठिनाइयाँ होता है, इसके कारण हमें जो किसी प्रकार के रास्ता नहीं मिला तो उब के हमने डीएम साहब के फ़ोन किए, सर नहीं उठाए, लेकिन सुबह में कॉल बैक किए 8-7-57 में, तो हम सर को सभी बात बोले कि सर ऐसे ऐसे हमारे सदी प्रखंड में हमारे हमसे मांगा जाता है पैसा, हमने नहीं दिए हैं तो आज तक मेरा एरियर नहीं गया है। और उनके द्वारा भी धमकी दिया जाता है कि तुम कंप्लेन वापस ले लो अन्यथा तुमको आगे हम बता दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा है। आप कौन से विद्यालय में पोस्टेड है? उत्कर्मित मध्य विद्यालय सराधर।